अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल misra4u.com में। और आज आप सभी के लिए और मेरे लिए भी काफ़ी हर्ष उल्लास का दिन है, क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले 13 जुलाई 2017 को इस मिश्रा फॉर यू की नींव रखी गई थी, और 2 साल बाद यानी कि आज 14 अगस्त है, 2 साल 1 महीना नेट हुआ, और हमारे चैनल पर मैं आप सभी के सहयोग से, महाकाल के कृपा से आज 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं, और इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे YouTube ने हमारे ज़िंदगी को बदला, मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आया, क्या कैसे, उन सभी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, दिखाऊंगा भी, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को 10 लाख यानी कि 1 मिलियन लोगों को इस चैनल में जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए, मिश्रा फॉर यू फैमिली को इतना बड़ा बनाने के लिए, इतना समृद्धशाली बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। चलिए चलता हूँ और शुरू करता हूँ उस जगह से जहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, और आज मैं जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मैं हमारी ज़िंदगी कैसे पहुँची। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई थी हमारी ज़िंदगी, और ये जो अभी आप सामने घर देख रहे हो, यही हमारा घर था, पुराना घर। इसी घर में पिछले 20 साल से मैं जो रह रहा था वो इसी घर में रह रहा था, यही हमारा घर था। कब? जब हमारे पास कोई YouTube चैनल नहीं था, जब हमारे पास एक भी लोग नहीं थे। लेकिन आज क्या है वो चीज़ें आपने वहाँ पर मैं देखी है, और मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि आज क्या, कैसे, कैसी सुख सुविधाएं हैं। और इधर दिखाओ, इधर कैमरा ऑन करके, इधर आप देख रहे हो, ये हमारा पुराना घर है, यहीं पर में हम लोग, हमारे साथ हमारे फैमिली वाले सारे लोग यहीं पर में रहते थे। ये अंदर का इंटरनल सीन है, अंदर का दिखाओ इधर से, ऊपर का दिखाओ, कैसे हम लोग यहाँ पर में रह रहे थे, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऊपर का दिखाओ कैसे क्या है। ये हमारा पुराना घर था, और मैं आपको इसको खोल करके अंदर का भी दिखाता हूँ कि क्या कैसे है। ये हमारा घर है, हमारे घर के दरवाजे पर से जो मैं इंट्री कर रहा हूँ आप यहाँ पर मैं देख सकते हो। ये हमारा एक बेडरूम था जिसमें, इस कमरे में हम लोग रहते थे। ये एक छोटा सा कमरा जहाँ पर मैं अभी हूँ, वहाँ से इस साइड यानी कि इधर का सीन दिखाओ, इधर हम लोग इस साइड रहते थे। और इस कम अभी भी यहाँ पर मैं गैस चूल्हा वगैरह रखा ही हुआ है, यहाँ पर मैं गैस चूल्हा, वो तावा जिस पर मैं रोटी वगैरह बनती है वो रखा ही हुआ है। और इस कमरे के इस साइड हमारे घर में जो लोग थे उनके लिए खाना बनता था। ये एक कमरा हुआ, दूसरे कमरे को आपको दिखाता हूँ। ये घर का आंगन हुआ, आंगन हमारे यहाँ बोला जाता है, जो घर के चारों साइड से बीच में जगह रखा जाता है महिलाओं को उठने बैठने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं सो अभी भी बाहर नहीं निकलती हैं, वो घर में ही रहती हैं, तो उनके लिए ये आंगन रखा जाता है। और इधर यहाँ पर मैं देख रहे हो किस प्रकार से हमारे यहाँ इसको कहा जाता है खपरा, इसको कहा जाता है टाली, और यानी कि खपरे टाली का घर था हम लोगों का, जो पिछले मैं 20 साल से, और मेरे पिताजी दादाजी तो कितने साल से रह रहे थे अभी मैं जानता भी नहीं। ये हमारा एक घर का, इसको कहते हैं बरामदा अंदर का, यहाँ पर मैं भगवान की पूजा की जाती थी, यहाँ पर मैं भगवान की पूजा के लिए जगह रखा गया था ये। उसके बाद इधर नीचे तो पूरा कचरा हो चुका है, नीचे दिखाओ, पूरा चारों साइड दिखाओ,
इधर अब आप आओ, ये एक दूसरा कमरा था हमारे, इसमें सांप वगैरह भी होगा, डर भी होता है, मैं तो आता भी नहीं हूँ यहाँ पर मैं, लेकिन अभी आप लोगों के लिए क्योंकि वीडियो बनाना है, आप लोगों को मोटिवेट करना है, आप लोगों को ये चीज़ें समझानी है कि ज़िंदगी कब कहाँ से किधर मोड़ लेगी ये कोई नहीं जानता है। तो एक कमरा ये था जिसमें रहते थे एक दो लोग, और लोग रहते भी नहीं थे, ये कमरा वैसे भी खाली ही था क्योंकि इधर कमरे में बहुत ज़्यादा सांप वगैरह रहता था इसमें, तो डर के कारण कोई यहाँ पर में नहीं रहते थे। और जो मैंने आपको बताया था अभी खाना बनाने वाला पॉइंट, वो खाना वाला बनाने वाला घर वो था, मगर उससे पहले हम लोगों ने खाना बनाने के लिए यहाँ पर में जैसे किचन टाइप का होता है तो किचन टाइप का हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, लेकिन पैसे की इतनी कमी थी कि इसको इसके ऊपर से पानी इतना ज़्यादा गिरता था कि यहाँ पर में खाना बनाना असंभव हो गया था। तो इस जगह को छोड़ करके केवल दो कमरा हमारे घर में ऐसा बचा हुआ जिसमें पानी नहीं गिरता था बारिश के मौसम में, और एक कमरा ये था। इस कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते थे, और सांप वगैरह ना हो इस बात का भी डर लगता है क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। तो इस कमरे मेरे मम्मी पापा रहते थे और ये एक कमरा था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है सो हमारा पुराना मकान था, पुराना घर था, और अब मैं आपको ले चलूँगा अपने नए मकान पर में कि नया मकान का क्या कैसे था। वो आप देख रहे हो, वो बिल वगैरह है, सांप वगैरह होगा, इस यहाँ पर अब ज़्यादा दिन रुकूंगा भी नहीं, अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, और निकलते निकलते आप लोगों को इन जगह का दिखाते चलो, जगह के बारे में जो भी जगह है। बाथरूम हम लोगों का यही था यहाँ पर, मैं स्नान वगैरह करने का घर के महिलाओं के लिए यही जगह था। दिक्कतें कितनी थी ये चीज़ें आप देखो, ये देख मैं ये जो दिखा रहा हूँ और अब मैं अभी आगे जो आपको दिखाऊंगा इसका मतलब केवल यही है कि ज़िंदगी कब कहाँ से किधर मोड़ ले लेगी इसका कोई ठीक नहीं है। आइए आपको मैं अब अपने नए मकान पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने नए वाले घर पर में, यानी कि पहले हम थे अपने पुराने वाले घर पर में जहां हमारी ज़िंदगी गुजरी, हमारे माता पिता का ज़िंदगी गुजरा, और अब हम आ चुके हैं अपने नए घर पर में। मैं आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि YouTube ने हमारी ज़िंदगी को कैसे बदला, कैसे एक भी व्यक्ति नहीं था और कैसे आज हमारे चैनल पर में 10 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, और उसका क्या क्या रिजल्ट हुआ, क्या क्या परिणाम हुआ, आप देखना शुरू करो इस साइड से, और आपको दिखाते हुए हमारे जो कैमरामैन हैं वो आपको दिख घर की सुंदरता, घर की खूबी आपको दिखाते चलेंगे। आप देखो इस साइड से लेकर के उस साइड तक घर का सीढ़ी देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है घर के सीढ़ी पर में। यहाँ पर में लोग आते हैं तो कहते हैं जैसे विंध्याचल वगैरह में, मंदिर वगैरह में जैसी सीढ़ी रहती है, धर्मशाला वगैरह में, उस प्रकार से यहाँ पर में आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है। घर का बरामदा आपको दिखाई दे रहा होगा, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बेड वहाँ पर में बिछा हुआ है लेकिन हवा के कारण वो सब उड़ चुका है। हमारे घर में दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छा जो देखने में मुझे लगता है वो घर का सीढ़ी लगता है, क्योंकि यहाँ पर में जो लोग आते हैं कहते हैं कि यार ये तो मंदिर वगैरह में जैसे, वो भी बहुत कम मंदिरों में ऐसा देखा करते हैं कि इतना बड़ा सीढ़ी और इतना सुंदर। और ये घर का ऊपर का जो है सो डिजाइन है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ नज़दीक से, ये डिजाइन है ऊपर में देख रहे हो, एक एक बल्ब लगा हुआ है इस घर में, 350 बल्ब लगे हुए हैं टोटल, आप देख सकते हो, आप जूम करके आप देख, चारों साइड से बल्ब लगा हुआ है। चलिए अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ और ऊपर का दिखाता हूँ क्या कैसे अंदर की व्यवस्था है।
चलिए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और अंदर की व्यवस्था दिखाता हूँ क्या कैसे है। यहाँ पर मैं हवा इतनी तेज़ है कि बेड पर से जो बेडशीट है वो भी उड़ चुकी है। हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, बहुत ज़्यादा। ऊपर आइए, ऊपर आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये हमारा बरामदा है। ये जिस जगह पर मैं अभी मैं खड़ा हूँ वो जगह हमारा बरामदा है। बरामदा को आप उस साइड से लेकर के वहाँ से दिखाओ। आप वहाँ से हमारे साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कैमरामैन जो है टेक्निकल साला के, यानी कि और उनका एक और चैनल है घड़ीघंट। घड़ीघंट और टेक्निकल साला इन दोनों चैनल के ऑनर पुरुषोत्तम मिश्रा हैं जो कि इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इन्हें भी जितना प्यार आपने मुझे दिया इन्हें भी उतना प्यार दें और इन्हें भी आगे बढ़ाने और खुद भी आगे बढ़ने में सहायता करें। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना ऑफिस, जो हमारा ऑफिस है। आइए पुरुषोत्तम जी, अपने ऑफिस से अंदर ले चलता हूं। आइए, ये जो है अभी जिस रूम में आप एंट्री कर रहे हो, जो देख रहे हो, ये हमारा ऑफिस है। इस जगह पर मैं बैठता हूँ और यहीं से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ये हमारा लैपटॉप है, यहाँ पर मैं दिखाइए आप इनको, ये हमारा लैपटॉप है। इधर कंप्यूटर रखा हुआ है, इधर बोर्ड भी रखा हुआ है। उधर दिखाइए आप, उधर सिल्वर प्ले बटन जो आज से एक साल पहले मिला था हमारे चैनल मिश्रा फॉर यू को, वो दिखाइए। वहाँ पर मैं सारा पुस्तक सब रखा हुआ है, बुक सब रखा हुआ है, जैसे पढ़ के आपके सामने जो भी बातें बताता हूँ वो सब इन सारे पुस्तकों से पढ़ के ही बताता हूँ। नीचे का दिखाइए, नीचे जो मैंने टाइल्स लगाया है वो भी उजला कलर का लगाया है क्योंकि व्हाइट कलर मुझे काफ़ी पसंद है, तो व्हाइट कलर का ही टाइल्स मैंने अपने ऑफिस में लगाया है। लेकिन अपने बरामदा पर में यहाँ पर में मैंने व्हाइट कलर का नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने क्रीम कलर का लगाया क्योंकि मेरे पिताजी को जो है क्रीम कलर ज़्यादा पसंद थी, तो क्रीम कलर का यहाँ पर मैं लगाया बाहर में। आइए अब घर के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ और अंदर का दिखाता हूँ। इधर से आप आइए, इधर से दिखाइए, अंदर ले चलता हूँ आपको और अंदर का सीन दिखाता हूँ। एक मिनट, बंद करो। तो अब मैं अपने घर के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। बरामदा आपने देख लिया इस साइड से, कितना बड़ा बरामदा है, इतना स्टैंडर्ड साइज है बरामदा का कि बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा। जितना बड़ा बरामदा है यहाँ पर में उतना जगह में लोगों का घर हुआ करता है, बहुत बड़ा बरामदा है। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और अंदर के लिए ये मैंने गेट खोला और आप अंदर आ गए। अंदर मैं अपने रूम में, अपने हॉल में ले जाने से पहले, सबसे पहले जो हमारा एंट्री का जो द्वार है, अंग रक्षक जो है वो हमारे भगवान हैं। हमारा ये पूजा घर है, जिस जगह पर मैं आप एंट्री कर रहे हो ये हमारा पूजा घर है। पूजा रूम में भी मैंने व्हाइट टाइल्स लगाया है क्योंकि उजला कलर मुझे काफ़ी पसंद है और उजला कलर जो है सो भगवान शिव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा पूजा घर है, यहाँ पर मैं ही बैठ करके मैं पूजा पाठ करता हूँ, गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, जिससे कि हमारी इतनी समृद्धि माता गायत्री कृपा से हो रही है और आप लोगों का दुआ भी है। तो ये हमारा पूजा घर है। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो, ये हमारे पिताजी के गुरुजी और माताजी के गुरुजी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनकी भी पूजा हम लोग करते हैं। तो ये हमारा पूजा घर है, आपने पूजा घर देख लिया। अब मैं आपको अपने पूजा घर से सीधे, अब ये हमारा जिस होकर के अभी मैं आ रहा हूँ, ये इंट्रेंस है हमारा, और इंट्रेंस के ऊपर में ये जो आप देख रहे हो ऊपर में, इसके ऊपर में बॉक्स दिया हुआ है, जो मैं बॉक्स भी आपको दिखाऊंगा जिसमें सामान सब रखा जाता है घर का। तो आइए आपको मैं अंदर का दिखाता हूँ कि अंदर का माहौल कैसा है। दोस्तों ये अब आप हमारे हॉल में आ चुके हो और हॉल में ऊपर जो मैंने लगाया है इसको कौनसिल लाइट कहा जाता है, फ्लैट लाइट भी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक जो दूसरे साइड में आपको ले जाऊँगा, इस साइड पहले दिखा देता हूँ, उस साइड तक टोटल 32 बल्ब लगे हुए हैं। इसके अलावा अलग से होल्डर वाल बल्ब, यानी कि दीवार में जो होल्डर लगता है बल्ब लगता है, वो भी लगा हुआ है। पंखा यहाँ पर में दो लगे हुए हैं। आइए पहले मैं आपको अपना किचन दिखाता हूँ। किचन भी में भी मैंने अपना अपने पसंद का
किचन का बल्ब जला देता हूँ जैसे कि आपको दिखाई दे। किचन में भी मैंने अपने पसंद का व्हाइट टाइल्स ही लगाया है क्योंकि व्हाइट कलर मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं जहाँ पर मैं ज़्यादा रहता हूँ वहाँ पर मैं व्हाइट टाइल्स लगवाया हूँ। ये हमारा किचन है, किचन का साइज भी स्टैंडर्ड है, बड़ा साइज है किचन का। इसमें खाना पीना जो भी है सो वो बनता है, किचन ही है। और किचन के जस्ट सामने जहाँ जिससे अभी मैं निकल रहा हूँ, और अभी ये चौकी रखा हुआ है यहाँ पर मैं, जो कि मेरे घर में अभी लगभग 17-18 बेड हैं। एक समय था कि एक भी बेड नहीं था, लेकिन अभी 17-18 बेड हैं जो ऐसे रखे हुए हैं। और इसमें गेहूँ वगैरह होगा जो यहाँ पर मैं रखा हुआ है। ये इधर बर्तन रखने का स्टैंड है जिसमें बर्तन वगैरह रखा जाता है। और ये जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ, यानी कि थोड़ा तुम पीछे जाओ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो किचन के जस्ट सामने है। इसको हमने नाम दिया डाइनिंग रूम, यानी कि खाना खाने के लिए जगह है हमारा, वो यही जगह है अभी। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में 4-5 महीने में ये घर तैयार हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल कुर्सी लगा करके, जो डाइनिंग टेबल होता है वो अभी रेडी नहीं हुआ है, काम चल रहा है उस पर मैं, तो यहाँ खाना खाने का जगह है। आपको मैं एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, शायद आपने देखा भी होगा, जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देखे होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको मैं दिखाता हूँ। हमारे घर में मैंने एक विशेष टैप लगवाया है, नल लगवाया है। इस नल की खासियत ये है कि आप कहोगे कि मिश्रा जी के घर में हो पानी दो, तो ये पानी दे देगा। चलिए मिश्रा फॉर यू के सभी दर्शकों को आप पानी दें और इन्हें दिखाएं। मैंने नल को छुआ तक नहीं, मैंने सिर्फ कहा, मैंने अपना हाथ लगाया और ये पानी दे दिया। इसको कहते हैं सेंसर टैप। ये जो है सेंसर है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसकी खासियत। तो इसे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें क्या है, खासियत क्या है इसकी, कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर है, यहाँ पर मैं जब भी हाथ जाएगा, इसके सामने कहीं भी हाथ जाएगा, तो इसमें से ऑटोमेटिक पानी, ये मैंने विशेष ऑर्डर करके मुंबई से मंगवाया था। ये इसका पूरा सेट है, बेसिन का भी बहुत अच्छा सेट है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इधर से एक सीढ़ी है जिस होकर के ऊपर जाने का रास्ता है, एक साइड से यहाँ से ऊपर हम लोग इसी सीढ़ी से जाते हैं और इस होकर के ही इधर इस साइड उतरते हैं। यहाँ से टू वे स्विचिंग करवा रखा हूँ कि यहाँ से भी बल्ब चालू कर सकता हूँ, यहाँ से भी बल्ब बंद कर सकता हूँ। हर जगह टू वे स्विचिंग करवाई गई है। इधर से एक गेट दिया गया है जिसमें जो गांव में कहा जाता है कि आंगन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आंगन मैंने आपको पुराने वाले घर पे दिखाया था, तो ऐसे ही ये हमारा आंगन है। ये यूज नहीं होता है इसका, ये मिसयूज है, जगह का मिसयूज है ये, लेकिन फिर भी हमने रखा है क्योंकि कभी कभी इसकी ज़रूरत गांव घर में पड़ जाती है। चलिए अब मैं आपको फिर से अंदर ले चलता हूँ। और अब मैं आपको ले चलता हूँ बेडरूम में। ये जो है अभी जो मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। ये जो है सो हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम यानी कि इस रूम में मेरे मम्मी पापा रहते हैं। पापा को जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्रीम कलर ज़्यादा पसंद है, तो इनके रूम में क्रीम कलर का ही टाइल्स लगाया गया है। खिड़की में भी हमने ऐसा ही काम किया है कि ऊपर आधा नीचे, यहाँ से नीचे का पूरा लकड़ी, ऊपर आधा शीशा दिया है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और मैंने जिस बॉक्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, वो बॉक्स एक यहाँ पर में भी दिया गया है। उधर इंग्लिश सीट लगा हुआ है बाथरूम में उधर, और इसके ऊपर में जो वो छोटा सा मुंह आप देख रहे हो वो बॉक्स है, वो जिसमें कि आप सामान वगैरह अपना रख सकते हो। आइए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब इधर का आप एक बार हॉल का पूरा दिखा दो, इस साइड से उस साइड। ये पूरा हॉल है, इधर आप पूरा हॉल देख रहे होंगे। और मैं आपको पहले अब इधर दिखाता हूँ, इधर आओ। ये जो है सो एक चाइल्ड रूम, जिसका नाम हमने चाइल्ड रूम दिया। ये चाइल्ड रूम है, और चाइल्ड रूम में क्योंकि अभी हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है, तो यहाँ पर मैं जो भी घर का सामान है, ये ट्रंक वगैरह, बक्सा वगैरह जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, तो वो जो है सो यहाँ पर मैं रख दिया गया है, जो भी मिसयूज है, क्योंकि खाली है पूरा जगह। और इसके ऊपर में भी बॉक्स दिया गया है, जो ऊपर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा हो, जिसमें बच्चे भी अपना खेल कूद का सामान जो भी वो रख सकते हैं। आइए इस रूम से आपको मैं बाहर ले चलता हूँ। और यहाँ पर मैं ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के जस्ट सामने यहाँ पर मैं दिया गया टीवी यूनिट, यहाँ पर मैं इसको, इसका नाम दिया गया लिविंग रूम। यहाँ पर मैं आप अपना टीवी वगैरह लगा करके, और इधर इधर दिखाओ,
इधर यहाँ पर मैं आप एल सोफा ऐसे लगा करके, ऐसे एल लगा करके आप बैठ करके देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो इसे, जिसको जाँता कहते हैं, आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा इसे, गांव घर में भी अब बहुत कम अवेलेबल है। पहले की जो महिलाएं थी, पहले के जो लोग थे, वो इसी में दाल आटा ये सब इसी में क्या कहते हैं उसको पीसते थे और उसके बाद वो खाते थे। तो ये फ्लैट हमारा, एक फ्लैट जो है सो यहाँ पर में समाप्त हो गया। और दूसरा फ्लैट हमारा यहाँ से शुरू होता है, दूसरा सीढ़ी यहाँ शुरू होता है जो यहाँ से आपको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, ये ऊपर का हो गया। इधर से फिर आंगन जो मैंने बताया आपको, पीछे निकलने का पॉइंट हो गया, ये हमारा पूरा हॉल हो गया, और ये हमारा पूरा हॉल हो गया। इधर टीवी यूनिट हो गया, मैं टीवी को थोड़ा बंद कर देता हूँ, टीवी चालू है अभी। इधर टीवी यूनिट हो गया, यहाँ पर मैं टीवी लगा हुआ है। फिर ऐसे ही इधर मास्टर बेडरूम, सब खाली ही खाली है, अभी रहने वाला कोई नहीं है यहाँ पर में। तो इधर हो गया फिर से एक मास्टर बेडरूम जिसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच है, और बल्ब जला देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और इसके ऊपर में भी बॉक्स दिया गया है, क्योंकि अंदर बाथरूम है तो बाथरूम के ऊपर में बॉक्स दे दिया गया है जिससे कि सामान वगैरह रखा जा सके। अब आप बाहर आ जाओ। इधर फिर इस फ्लैट का इधर एक और चाइल्ड रूम दे दिया गया। यहाँ पर मैं जो टेक्निकल शाला और घड़ीघंट नाम का जो चैनल है यूट्यूब पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो पुरुषोत्तम मिश्रा इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनका बेड यही है और बैचलर का कैसा रहता है समझते ही हो, तो उस हिसाब से ये यहाँ पर मैं रहते हैं। और इनके रूम के ऊपर में भी बॉक्स दिया गया है जो इसमें ये अपना सामान वगैरह कुछ कुछ रख सकते हैं। अब आप बाहर आ जाओ। दूसरा जो हमारा एंट्रेंस, एक एंट्रेंस मैंने आपको उधर से दिखाया, और दूसरा जो हमारा एंट्रेंस है वो ये है। इधर से निकलने का रास्ता है ये, जो आप जैसे उस फ्लैट से हमने उधर से एंट्री की थी, वैसे इस फ्लैट से हम इधर से निकल सकते हैं, यहाँ से रास्ता है निकलने का। तो इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। और इधर जो है सो स्टोर रूम है हमारा, इधर स्टोर रूम है, आपको स्टोर रूम दिखा देता हूँ। ये सब सामान रखा हुआ है यहाँ पर मैं, आप देख रहे होंगे, ये स्टोर रूम है हमारा। चलिए तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब, मैंने आपको अपना बेडरूम नहीं दिखाया, आओ मैं आपको अपना बेडरूम दिखा देता हूँ। सबसे पहले आइए, इधर से निकलने का मैंने रास्ता दूसरा चुना, वैसे उधर से भी निकलने का रास्ता है। ये दरवाजे पर का बेड है जो हमेशा यहाँ पर में इतना बेड लगा ही रहता है, दो चार पाँच दस लोग जो भी आते हैं उनके लिए यहाँ पर में बेड लगा रहता है, और वो लोग यहाँ पर में बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं। और दूसरा जो एंट्रेंस मैं अभी आपको दिखा रहा था वो यही है एंट्रेंस, जिसको करके हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। एक उधर है, उधर का एक बार दिखाओ, और एक यहाँ पर में है, इधर का दिखाओ। यहाँ से भी ये एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग घुस सकते हैं। और ये जो है सो हमारा बेडरूम है, जिसमें मैं आपको ले चलता हूँ अंदर। हमारा बेडरूम है ये, हमारे बेडरूम में भी मेरे पिताजी के कलर का ही, जो उनको पसंद है कलर, क्रीम कलर, उस कलर का ही टाइल्स लगा हुआ है। और ये हमारा बेड है, कोई हमारा बेड बहुत ज़्यादा अच्छा सजा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे रूम में एक कूलर रखा हुआ है, और क्योंकि गर्मी बहुत है तो कूलर मैंने लगा दिया है एसी, क्योंकि गांव में लगाना फिर धूप में निकलना तबीयत खराब हो जाती है, तो इसलिए मैंने एसी यहां पर मैं नहीं लगाया है। ये कूलर हो गया, एक स्टैंड फैन भी लगा रखा हूं अपने पास में, ऊपर का एक सेलिंग फैन भी लगा हुआ है। और इतना ज़्यादा हवादार ये जगह है जिसमें कि हवा की कमी नहीं होती है, फिर भी यहाँ पर मैंने दो तीन पंखा लगा रखा, क्योंकि मेरे को हमेशा ठंड में रहने की आदत है तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बंद करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद केवल ये, वीडियो मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन मैं ये सोच रखा था मैंने कि जब भी हमारे चैनल पर में 10 लाख लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये घर जो है सो आज से एक महीने पहले बन करके रेडी हो चुका था, तैयार हो चुका था। मैं चाहता तो उस वक्त में ये एक वीडियो बना करके चैनल पर मैं अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया,
क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरे चैनल पर मैं बहुत जल्द 10 लाख लोग पुरने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, और मैं उसी पर मैं ये वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हो पाएँ, आप लोग भी समझ पाएँ इन चीज़ों को कि लोग अगर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो अकेला व्यक्ति भी जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है वो भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। आपने जब हमारे पुराने घर को देखा होगा तो आपके मन में इस घर को देखने के बाद ये विश्वास नहीं हुआ होगा कि ये घर मेरा ही है, लेकिन ये घर मेरा ही है और ये जो देन है सो महाकाल की देन है और यूट्यूब की देन है, और यूट्यूब ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया, कितना सपोर्ट किया, इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। इसलिए आप सब भी मेहनत करो, जो लोग YouTube पे आना चाहते हो YouTube पर में आओ, काम करो और आगे बढ़ो। आज हमारे चैनल पर में क्योंकि 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं, 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इस खुशी में मैंने ये वीडियो बनाया और आप लोगों को अपना नया घर और पुराना घर दिखाया कि मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँचा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कैमरामैन पुरुषोत्तम जी ने, टेक्निकल साला वाले ने और जिनका दूसरा चैनल घड़ी घंट है, उन्होंने वीडियो को अच्छा रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि वो भी कोई प्रोफेशनल कैमरामैन तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे विशेष आग्रह पर में इन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, और उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अच्छा खासा रिकॉर्डिंग किया होगा, मीडियम मिला जुला कर ठीक होगा। और थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, उनके चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और टेक्निकल ज्ञान जो है आप वहां से लें और उनको सपोर्ट करें। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।